Assalamu alaikum and good morning, students. How are you all? Today I am going to teach you a new chapter, chapter number 14, Basavas Farm. Now, this chapter is about the fields, about the onion crops and the instrument were used in farming. And what are the name of these tools in Karnataka state? Now, we will go line by line on page number 113. So, students, open your textbook, page number 113. I am Basava. My father is a farmer. We live in Belvinka village in Karnataka. It is the month of July. Like every year, Appa, my father, is preparing the field to sow the onion. There are so many things to be done at this time. To help him, I too go to the field with Appa. In the last few days, Appa has been using the khunti and iron rod to dig the soil, loosen it and make it soft. Now, Basava, he is a boy and his father is a farmer. Basava jo hai, wo ek boy hai aur uske papa farmer hai. And wo kahan rehte hai? They are living in Belvinka village in Karnataka. Aur July ki month mein har saal uske appa onion ke crops ke field mein onion crops ugate hai. Aur abhi wo kya kar rahe hai? He is preparing the field to sow the onion crop. Abhi wo field ko prepare kar rahe hai. तैयार कर रहे हैं ताकि वो उसमें ओनियन की क्रॉप्स को लगा सके. देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी डन एट दिस टाइम. अब वो बसावा क्या बता रहा है कि इस टाइम में बहुत सारे काम करने होते हैं. आई टू गो टू द फील्ड विद अप्पा. वो भी अपने अप्पा के साथ में फील्ड में जाता है क्या कराने के लिए, अप्पा की हेल्प करने के लिए. और लास्ट फ्यू डेज से उसके अप्पा क्या कर रहे हैं, वो खुंटी यूज कर रहे हैं. हियर यू कैन सी दिस इज खुंटी. इसको खुंटी बोलते हैं. ये काय के काम में आती है, सॉइल को लूज करने के काम में आती है. वो सॉइल को लूज करेंगे और उससे मिट्टी को खोदेंगे और फिर उसमें वो मिट्टी को सॉफ्ट करेंगे, मतलब नरम कर देंगे. फिर उसमें वो ओनियन के सीड्स को डालेंगे. नाउ स्टूडेंट्स टर्न द पेज, पेज नंबर 114. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सोइंग द सीड. दिस ईयर ऑल्सो माई फादर विल सो ओनियन सीड्स इन द फील्ड. द बुलक्स विल पुल द कुर्गी एंड अप्पा विल वॉक बिहाइंड them sprinkling the seeds. I would also like to do this just like my appa, but appa says that it is necessary to drop the right amount of seeds at a regular distance. This is not so easy to do. He says that I may drop too many seeds at one place. I must wait till I am a little older to be able to do this properly. Sowing the seeds. Sowing the seeds ka matlab mitti ko loose kiya, ab usme seeds ko dalna hai. अब इस साल भी बसावा के फादर ने क्या, कौन सा सीड यूज किया, ओनियन सीड यूज किया है. फील्ड में कौन सा क्रॉप होगा, ओनियन का क्रॉप होगा. नाउ इन दिस पिक्चर यू कैन सी बुलक्स आर देयर, बैल है. बैल के पीछे क्या बनाया गया है, नया एक टूल है जो यूज करते हैं काय के लिए, सीड्स को डालने के लिए. बैल आगे आगे चलते हैं और पीछे पीछे फार्मर उसके सीड्स डालता है. एंड दिस इज कॉल्ड कुर्गी. कर्नाटका में इसको कुर्गी बोलते हैं एंड इन अवर स्टेट्स वी आर कॉलिंग दिस. Now, वसावा अप्पा विल वॉक बिहाइंड देम स्प्रिंकिंग द सीड्स. अब वसावा के अप्पा आप इसमें पिक्चर में देख रहे हो, वो बैलों के पीछे पीछे, बुलक्स के पीछे पीछे चल रहे हैं और सीड्स को डाल रहे हैं. आई वुड ऑल्सो लाइक टू डू दिस. अब वसावा जो है वो भी ये काम करना चाहता है अपने अप्पा के जैसे, पर उसके अप्पा ने क्या बोला कि इट इज नेसेसरी टू ड्रॉप द राइट अमाउंट. उसके अप्पा ने बताया कि हमें जो सीड्स डालने हैं फील्ड्स में उसको राइट अमाउंट में डालना और रेगुलर डिस्टेंस, मतलब उसका सही क्वांटिटी होनी चाहिए और उसका जो डिस्टेंस है वो बराबर होना चाहिए. इसीलिए ये काम जो है वो बहुत इजी नहीं है. नाउ व्हाट ही सेज दैट माय अप्पा इज सेइंग दैट आई विल ड्रॉप टू मेनी सीड्स एट वन प्लेस. उसके अप्पा ने उसको क्या बोला कि अगर तुम ये काम करोगे तो हो सकता है कि तुम सारे सीड्स को एक ही जगह पे डाल दो या बहुत सारे सीड्स एक जगह पे डालो, तो उससे ओनियन की क्रॉप्स अच्छी नहीं होगी. तो उसके अप्पा ने क्या बोला दैट यू हैव टू वेट टिल यू बिकम अ ओल्डर वन. उसके अप्पा ने बोला कि अभी तुम्हें थोड़ा और बड़ा होना पड़ेगा ये काम करने के लिए, ये काम अच्छे से करने के लिए. नाउ दिस वॉज द एंड ऑफ द पार्ट वन ऑफ दिस चैप्टर. होप यू ऑल अंडरस्टैंड द चैप्टर नाइसली. इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरीज, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कुछ समझ में नहीं आया है, सो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स एंड यू कैन वी विल गिव द सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.